तो आपका जो है सो रिसेंटली इंडिया और यू एस ए मीट हुआ है तो इसमें दो तीन चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है कि टेकिंग अबाउट द मतलब कि जो है सो अफ़गानिस्तान में जो है सो अफ़गानिस्तान में जो इशू चल रहा है अफगानिस्तान के इशू को लेकर बातचीत हुई है कि इस चीज़ को कैसे जो है सो आपका प्रीस और प्रस्पेटी इस जगह पर अफगानिस्तान में लिया जाए ठीक है उसके बाद में जो टेकिंग अबाउट द जो आपका जो कोविड नाइन्टीन में कैसे जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं यू एस कैसे मदद करेगा और इंडिया और यू एस ए बलतः जो अब्दुल्लामा के रिप्रेजेंटेटिव जो है सो ये भी मीट किए हैं तो इससे क्या है कि जो है सो चाइना को कंटेंट करने के लिए जो इशू चल रहा है ना और फिर जो है सो क्वाड को ले भी बात हुई है कि क्वाड का जो है सो अगली मीट है उसमें कौन कौन से मुद्दे को रखा जाएगा तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी चर्चा हुई है और जो है सो इनका कहना है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू ही, ही इंडिया और यूएसए को बांध के रखा है और यह जो है सो जो, तो जो है सो हमें जो है सो एक आगे बढ़ने में मदद करेगा तो एक्चुअल में यूएसए जो है सो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलने वाला देश है ठीक है तो इसलिए जो है सो जो जो देश डेमोक्रेटिक वैल्यू को मतलब प्रिजर्व करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसको ये मानता है और जो है सो उसके साथ में वर्क करता है ठीक है तो एक छोटा सा आर्टिकल था नेक्स्ट आपका है कि नो इम्यूनिटी फॉर द एक्ट ऑफ द वेंडलिज्म सुप्रीम कोर्ट अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका जो है सो केरल हाई कोर्ट में सॉरी केरल के जो है सो असेंबली में केरल असेंबली में जो है सो 2015-16 में क्या हुआ था या सात चौदह एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा तो उसमें क्या हुआ था कि असेंबली में जो है सो असेंबली हॉल में मेम्बर जो है कुर्सी चेयर और जो है सो टेबल सब तोड़ फाड़ दिए थे माइक वगैरह तोड़ दिए थे तो यह कोर्ट चला गया केरला के गया, हाई, हाई कोर्ट में वहां से आ गया फिर सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो फंडामेंटल लाइट है ना तो फंडामेंटल लाइट जो है सो यह अधिकार आपको नहीं देता है कि आप जो है सो वहां के चेयर को तोड़े आप जो है सो वहाँ के लोगों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो बोलते हैं केरला असेंबली सर्टेन अमाउंट तो द फाइनेंस किया है तो इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऐसा मतलब की फंडामेंटल राइट ये है कि आप बोल सकते हैं कुछ कह सकते हैं लेकिन ये थोड़े है कि आप जो है सो किसी के फंडामेंटल राइट को हार पहुंचाएंगे या प्रॉपर्टी को हार पहुँचाएंगे ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है ठीक है ये जो है सो सुप्रीम कोर्ट का एक बॉडिक्ट आया है और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो है सो फंडामेंटल राइट में आपका जो है सो मतलब कि इम्यूनिटी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट है कि एच सी पुल्स ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द एस ओ पी ठीक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक्चुअल में जो है सो कोविड नाइनटीन को लेकर के कोविड नाइन्टीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह जो है सो न्यूज़ स्प्रेड किया है समझने वाली बात क्या है यह समझने वाली बात यहाँ पे है कि यूके गवर्नमेंट वलेट किया है एसओपी ओ पी कोविड नाइन्टीन को लेकर के उसने ओपन कर दिया और जब ओपन किया तो के जो कोविड के केसेस जो है सो बढ़ गए हैं कोविड के केसेस क्या हो गए हैं यहाँ पे बढ़ गए हैं तो जब कोविड के केसेस बढ़ गए हैं उत्तराखंड में तो जाहिर सी बात है कि इससे हाई कोर्ट नाराज हो गया है और उसके बाद में बोला है कि जो है सो कंटिन्यू स्टॉपेज है बोला कि चार धाम यात्रा अब आगे भी स्टॉप रहेगा शायद ही हमें सुप्रीम कोर्ट में चला गया वहाँ से फिर जो भी आएगा वो देखा जाएगा ओपन द चार धाम यात्रा इंक्रीज द कोविड केसेस अबाउट द चार धाम यात्रा में गंगोत्री हो गया यमुनोत्री हो गया केदारनाथ से हो गया और बद्रीनाथ हो गया तो यहाँ थोड़ा समझना का आर्ट एंड कल्चर से पॉइंट ऑफ व्यू से जो केदारनाथ है इसमें भगवान शिव की पूजा होती है और जो बद्रीनाथ है उसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है ठीक है भगवान विष्णु की पूजा होती है और गंगोत्री और यमुनोत्री जो यहाँ से गंगा निकलती है यहाँ से ग्लेशियर है यहाँ से जमुना निकलती है ठीक है तो नेक्स्ट आपका है कि जो है सो चंद्रयान थी मिशन लाइकली टू लेट लगभग जो है सो नेक्स्ट ईयर 2022 में लॉन्च करने की बात चल रही है ठीक है जो है सो आ, बलता है कि यहाँ पर जो है चंद्रयान दूसरा का जो है सक्सेसर मिशन है और दो में इसको लॉन्च किया गया था लेट ड्यू टू तो द कोविड नाइन्टीन का वेव के कारण लेट हुआ है और टू का ये हो गया बलता कि एक किसका मिशन है तो इसरो का मिशन है इसमें होगा क्या तो ये चंद्रमा पे जाने की कोशिश हम लोग करेंगे ठीक है उसके बाद में राफेल ऑपरेशनलाइज अभी क्या है कि राफेल जो है सो बंगाल में ऑपरेशनलाइज किया गया है तो उसे रिलेटेड न्यूज था कि जो है सो आपका राफेल एडवांस एयरक्राफ्ट मेड बाई फ्रांस कंपनी कंपनी फ्रांस की जो है है सो वह यह बनाती है और यह इट इज लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है टेकल द ऑल एडवांस एयरक्राफ्ट मतलब चाइना के जो भी एयरक्राफ्ट हैं या पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन और जो भी हैं उसको इस टेकल करना में सक्षम है ठीक है कौन सा अपना जो है सो राफेल उसके बाद में क्या है कि इट हैज बिन ट्विन इंजन है इसमें जो है सो दो इंजन है ठीक है कैपेसिटी कैरी लॉन्ग एंड द शॉर्ट टर्म दोनों लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मिशन को यह कैरी आउट कर सकता है हैविंग द एक्यूरेसी एंड द बोलता कि लंच फ्रॉम द सी एंड ग्राउंड से मतलब एक्यूरेट मतलब कि लॉन्च हो सकता है एक्यूरेट वे में जो है सो फायर कर सकता है और सी और ग्राउंड से इसको लॉन्च भी किया जा सकता है इंडिया परचेज थर्टी सिक्स रफाल इंडिया जो है सो अब थर्टी सिक्स रफाल खरीदने वाला है बोलता है कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो है सो मतलब खरीदा है मिट्योर एयर टू एयर है बल्ते जिसका टारगेट है 300 किलोमीटर और मीका मिसाइल है जो सो जिसका टारगेट 100 किलोमीटर है ठीक है तो यह एक बढ़िया एयरक्राफ्ट था जिसको लेकिन करप्शन और दुनिया भर के चार्जेज अभी गवर्नमेंट पे इस पर लग रही है फ्रांस में इसके ऊपर जो है जाँच भी चल रहा है और अनिल अंबानी की कंपनी है वो कहीं ना कहीं एक जैसी दिख रही है तो आने वाले समय में अभी बहुत सारे इस पे लफड़े भी आते रहेंगे लेकिन हमको जो है सो इसका फैक्ट याद रखना है जो फैक्ट है ना वो एग्जाम में पूछता है ठीक है तो आपको याद रखना है फैक्ट बस और कुछ नहीं इसमें 36 है इसमें थर्टी सिक्स रफाल हम लोग खरीदने वाले हैं हाई एक्यूरेसी है इसका ट्विन इंजन है और एडवांस एयरक्राफ्ट है और यही सब चीजें हैं उसमें देखो टॉप स्पीड इसका डी ये हो गया मैक्सिमम इतना हो गया ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है और जो है सो ग्राउंड सपोर्ट है एरियल रिकॉर्गनाइज है और हवा में ही इसमें जो है सो उसका फ्यूल फिलिंग हो सकता है और जो है सो इंटरसेप्शन भी कर सकता है न्यूक्लियर मसाइल को तो ये सारा चीज़ है उसके बाद बोलता है टेरिज्म इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू डो ग्लोबल पीस राजनाथ सिंह का कहना है ठीक है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना है कि टेर्रिज़म के बारे में तो राजनाथ सिंह यहाँ पे जो है सो आपका एस के एस के जो है सो जो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मीट में गए हैं तो उनका कहना है कि टेर्रिज्म जो है सो बड़ा ही खतरा है वन के लिए ग्लोबल पीस के लिए ठीक है तो हमको अब यहाँ पे इससे मतलब नहीं है हमको जानना है कि एस सी का एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हो गया था पेयड एटबलता की जो है सो आपका इसमें जो है सो 2001 में कजाकिस्तान था चाइना था किर्गिस्तान था रसिया था और तजाकिस्तान था ठीक है तो इसको पहले एस नहीं कह के संघाई फाइव कहा जा रहा था ठीक है ये और चाइना की है उन्नीस को छियानवे में इमर्ज फ्रॉम फ्राम एसरीज अब तो बॉर्डर डिमार्केशन एक्चुअल में इनके बीच में ही बहुत सारे इशू थे इन सारे एरिया में तो ये जो है सो इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन है जो है सो आपको इकोनॉमी पीस सिक्योरिटी कल्चर में कोऑपरेट करेगा और एक बढ़िया रिलेशन जो है सो एक मधुर रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी वही है और कुछ नहीं है तो डिमेटेशन दे, टॉक होगा और सोवियत रिपब्लिक रिपब्बलिकल्ड चाइना इंश्योर द स्टेबिलिटी लॉन्ग जो चाइना का जो है हर देश में उसका अपना बॉर्डर घुस आता है तो अब यहाँ पे शायद नहीं होगा इस इस तरह से बातें की जाएगी तो टू तो फॉलोइंग द मतलब की एक्सेसन ऑफ द उज्बेकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन इन दो द संघाई फाइव रिनम किया गया जब उज्बेकिस्तान को इसमें लिया गया तो ये सो संघाई फाइव था उसको जो है सो अब कर दिया गया एस इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इंडक्ट किया गया था ठीक है मेंबर्स हैं अब कजाकिस्तान हो गया चाइना हो गया किर्गिस्तान हो गया रसिया हो गया आपका ताजिकिस्तान हो गया उज्बेकिस्तान हो गया इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया आपको इंडिया पाकिस्तान और चाइना ये तो आपको याद ही रखना है ठीक है और इधर रखना आपका के के टी यू ठीक है कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उजेकिस्तान और इंडिया इंडिया चाइना रसिया देखो आपको जो है इंडिया है चाइना है रसिया है ठीक है और पाकिस्तान है ये चार आपके तो समझ में आ जाएगा और के के टी यू याद रखोगे तो ये थोड़ा सा नमोनिक बन जाएगा और याद करना आसान हो जाएगा तो ये जो है सो आपका चाइना हो गया ये रसिया हो गया ये कजाकिस्तान हो गया ये उज्बेकिस्तान हो गया ये ताजिकिस्तान हो गया ये पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया ठीक है तो ये इसको मेम्बर है बोलता है कि जैसे आपका यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया ताजिकिस्तान हो ये किर्गिस्तान हो ऊपर रशिया हो गया ठीक है हाँ तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि रसिया जो है सो यहाँ पे ताजिकिस्तान को जो है सो आर्म सपोर्ट कर रहा है भाई तो ये क्या नया इशू है तो यह इशू ये है कि अभी यहाँ पे ये यह जो है सो आपका अफगानिस्तान है ठीक है और यहाँ से तालिबान कप्चर करते करते अब नाइन्टी परसेंट एरिया पे तालिबान यहाँ पे काबिज हो गया है ठीक है तो अब यह डर लग रहा है कि ये वाला इलाका है ना ये वाला इनको ये पूरा जो इलाका है हो सकता है कि इनस्टेबल बनने लगे तो इनस्टेबल बनने लगे तो अब यहाँ पे जो है सो अब चूँकि यहाँ पे यू एस ने भी यहाँ पे क्वाड बनाया है इसका नाम जरा कमेंट में आप लोग बताना कि यू एस के क्वाड में कौन कौन है और इधर वाला जो है सो रसिया जो है ना यहाँ पे रसिया अब आया है रसिया जो है सो ताजिकिस्तान और बाकी कंट्रियों के साथ मिल कर के जो है सो इनको हथियार दे रहा है और अगले महीना में एक ट्रेनिंग भी करेगा मिलट्री ट्रेनिंग करेगा कि आपका जो है सो यहाँ पे तालिबान जो है सो हमारे ऊपर काबिज ना हो जाए इस तालिबान का इधर ज़्यादा दिक्कत ना हो और इन लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए रसिया इनको मदद कर रहा है उन्नीस के पहले ये सब लोग जो थे यू के पार्ट थे तो उस नाते जो है सो रसिया जो है सो अब इनकी मदद कर रहा है तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी इंटरनेशनल रिलेशन में चल के आ रहा है उसके बारे में तो आपका सपोर्ट रसिया टू द ताजिकिस्तान टेकल द तालिबान इशू को रशिया ताजकिस्तान एंड उजबेकिस्तान द थ्रेट तालिबान में और नेक्स्ट मंथ अलायंस कंडक्ट एक्सरसाइज रिड्यूस द थ्रेट और अगले महीने अलायंस होगा और इसके थ्रेट को कम किया जाएगा चाइना फॉरेन मिनिस्टर होस्ट द तालिबान टू प्रोविटल अब यहाँ पे देखो चाइना के जो है चाइना और तालिबान अब मिल रहे हैं ठीक है तो यह जो है एक बहुत ही डेडली कम्बिनेशन बन रहा है ठीक है इसको ध्यान रखना पड़ेगा यह डेडली कम्बिनेशन है हम डेडली कम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में इसलिए हम डेडली बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए स्पेशली जो है सो यह डेडली है ठीक है क्यों डेडली है क्योंकि देखो आपका जो है सो ये पीओ के है ठीक है और यहाँ पे जो है सो उगर मुस्लिम है ये चाइना का पार्ट है ये जो है सो आपका पाकिस्तान है और जब यहाँ पे ये यह जो है सो लड़ाके जब यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी तो यह लड़ाके पाकिस्तान से माइग्रेट करके चाइना इधर कश्मीर में अटैक करेंगे और यह राग अलाप रहा है चाइना कि तुम तो हम उगर मुस्लिम को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हमारी मदद कर तालिबान से बताओ कितना बदमाश है जबकि ये खुद ही जो है सो यहाँ पे उइगर मुस्लिम को पूरा अत्याचार कर रहा है तो तालिबान वन टू टाई विद द चाइना और जैसे तालिबान एंड चाइना इनहस देश मुस्लिम का थ्रेट है उसको कम करने के लिए उगर मुस्लिम एंड तालिबान कोलाबरेट ऑफ दाइना एंड पाकिस्तान चाइना एंड अफगानिस्तानाइज द तालिबान यहाँ पे तालिबान होना चाहिए ठीक है यहाँ पे तालिबान होना चाहिए ठीक है तो ये, क्योंकि ये जो है सो अफगानिस्तान तो ऑलरेडी इनके अगेंस्ट में है तो तालिबान हो गया तो पाकिस्तान चाइना और तालिबान में आ रहे हैं फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो है सो कैसे भी करके इस रीजन में जो है सो पीस लिया जाए लेकिन जब तालिबान खुद ही जब वहाँ के औरतों और बच्चों का कत्ल कर रहा है तो ये कैसे संभव है यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है कि यह एक आगे चल के बहुत बड़ा जो है सो खतरा बनेगा क्योंकि यहाँ से यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेज विड्रॉ करने लगी है ठीक है अब एडिटोरियल में आप देखते हैं कि जो है सो वायरोलैंस एंड द कि वेरियंस ये क्या है तो अभी आपको पता होगा कि आई ने जो है सो रेट कट कर दिया है भारत का और रेट कट कर करके जो है सो नाइन पॉइंट फाइव परसेंट कर दिया है बारह परसेंट से ठीक है तो इससे क्या है कि हमारा ग्रोथ पे जो है जो कि कोविड नाइन्टीन के कारण हमारा ग्रोथ कम हुआ है उसके लेकर के इन्होंने ऐसा किया है और ग्लोबल के इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने बोला कि सारे न, मतलब फोर पॉइंट नाइन परसेंट से ग्रो करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट इंपैक्ट द इंडियन इकनॉमी इससे इंडियन इकनॉमी भी थोड़ा फर्क पड़ेगा तो हम पहले पढ़ लेते हैं आई के बारे में थोड़ा सा आई को जो है एस एस्टेब्लिश किया था नाइनटीन में और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था याद रखना आपको हेड क्वार्टर्स का वाशिंगटन डी में है और अभी चीफ इकोनॉमिक गीता गोपी

इकोनॉमी को ओपन करो तो हमको जो है सो उसी टाइम जो है सो जो है सो एल रिफॉर्म ले आना पड़ा लिबराइजेशन हो गया प्राइवेटाइजेशन हो गया और जो है सो आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया तीन चीज़ ले आए तब हमको जाके आई ने हमारी मदद करी तो एक्चुअल में जिस जिस देश को फॉरेन पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ सब हर एक देश का अपना कोटा है वहाँ से उसका लोन ले सकते हैं इसको इसको बोला जाता है इंटरनेशनल करेंसी इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है ठीक है तो ये थोड़ा सा एडिटोरियल था तो हमको जो जानना है उस पर हम फोकस किए हैं नो नीड फॉर द ड्रेस्ट बोलते हैं कि ड्रास्टिक पॉपुलेशन पॉलिसी अभी यूपी में जो है आपको पता है कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी लेके योगी जी आ गए हैं जिसको वो बोल रहे हैं टू चाइल्ड पॉलिसी ठीक है तो टू चाइल्ड पॉलिसी में है कि जिसने जो है सो वन चाइल्ड करी ठीक है जिसने वन चाइल्ड करी जिसने वन चाइल्ड में जिसने गर्ल करी ठीक है वन चाइल्ड में जिसने गर्ल करी और जिसने जो है सो दो से प्लस करी अब समझना ये लेखक का मोटिव थोड़ा सा निगेटिव है ठीक है <coughs> तो इनका कहना है कि यूपी में ऑलरेडी जो है सो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और जो है सो अगर आप टू चाइल्ड पॉलिसी ले आएंगे तो क्या हो गया कि और ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा समझना तो बाई लॉ कंट्रोल द पॉपुलेशन रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है क्योंकि मालथर्स थ्योरी के हिसाब से जो है सो नेचुरली पॉपुलेशन कंट्रोल दो तरह कैसे होता है एक नेचुरल होता है और दूसरा जो है सो आपका आपका मैन मेड होता है या हम लोग जो कंट्रोल है करते हैं बाई पॉलिसी ठीक है मैन पॉलिसी के थ्रू जो कंट्रोल होता है तो अब यहाँ पे जो है सो बोलता है कि मोस्टली जो देखा गया है कि नेचुरली जो है सो पॉपुलेशन कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होता है लेकिन इसमें लॉन्ग टाइम लगता है और तब तक जो है सो रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लाइट हो चुका होता है ठीक है तो अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है आपका यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि जो ये लेखक का व्यू है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की तरफ इंगित कर रहा है उनका कहना है कि ऑलरेडी जो है सो हमारा टी एफ आर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है सो मतलब टू पॉइंट वन है मतलब कि एक औरत अपने पूरे ज़िंदगी में जो है सो दो से ज़्यादा बच्चा पैदा कर रही है जबकि पहले ये फोर पॉइंट फाइव या सिक्स पॉइंट फाइव था क्यों क्योंकि पहले जो है सो मरने का भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा था अब डेथ रेट घट गया है तो डेथ रेट घटता है तो औरतें अब बच्चा कम पैदा कर रही हैं और स्टेबिलिटी के नेशनल फैमिली जो है सो हेल्थ सर्वे के हिसाब से अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और उस टाइम पे अगर आप यह सब लेके आएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो पहला इनका कंसर्न लेखक यही है लेखक का दूसरा कंसर्न क्या है कि जो है सो आप यहाँ दूसरा ये यह जो है सो लिख रहे हैं कि अब यहाँ माइनॉरिटी पे फोकस कर रहे हैं ये कैसे पर फोकस कर रहे हैं माइनॉरिटी पे फोकस कर रहे हैं तो माइनॉरिटी पे कैसे फोकस कर रहे हैं ये ये क्या कह रहे हैं आप समझना कि मुस्लिम जो है सो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है ठीक है और अगर दो चाइल्ड पॉलिसी आ गया तो मुस्लिम और माइनर हो जाएगा और उसके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा तो जो so रहे ये जो है सो बोल रहे हैं कि यह जो है सो मुस्लिम को टारगेट करके यह लॉ लाया गया है इनका ये कहना है ठीक है इफ पॉपलेशन रिड्यूस तो मुस्लिम पॉपुलेशन मोर रिड्यूस होगा और मोर रिड्यूस होगा तो माइनरिटी हो जाएगा और ज्यादा फर्टिलिटी ऑलरेडी डिक्लाइन ट्रेंड में है तो ये इतना ही सारा चीज कर रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़ा लिखा हुआ लेख था लेकिन हमने आपको जैसे है उसकी मूल भावना थी वो हमने आपके सामने रख दिया उसके बाद में ऑक्सीजन फॉर द फिजिकल फेडरेशन अभी जो है सो आपको पता है कि कोविड नाइन्टीन में जो है सो ऑक्सीजन को लेकर के बड़ा ही वो रहा और अब बोल गवर्नमेंट के ऑक्सीजन से नहीं कोई देता हुआ है वो कोविड नाइन्टीन से हुआ है तो हमको उधर नहीं जाना हमको जो है सो तो फेडरेशन के बारे में चर्चा करना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरेशन वर्ड यूज नहीं, नहीं है ठीक है क्यों नहीं यूज है भैया इसलिए क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच में अमेरिका जैसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कोई एग्रीमेंट हमारे स्टेट और सेंटर के बीच में नहीं है इसलिए फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है ठीक है तो अब यहाँ पे है कि अब यहाँ दिक्कत क्या प्यार लेखल के हिसाब से जो राइटर है उनके हिसाब से दिक्कत क्या आ रही है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का शेयरिंग स्मूथ नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो जब स्मूथ नहीं होगा तो क्या होगा तब दिक्कत आएगी तो दिक्कत कहाँ आ रही है दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जब पहले जो है सो सेंटर और के बीच में इतना लफड़ा नहीं था क्योंकि जी नहीं था तो दोनों इंडिपेंडेंट टैक्स लगाते थे अब क्या है कि जी आ गया तो इंडिपेंडेंट टैक्स नहीं लग पा रहा है तो अभी कोविड नाइन्टीन के टाइम में स्टेट चिल्ला रहे थे तो भैया हमारा फंड दे दो फंड दे दो सेंटर बहुत लेट रिलीज कर रहा था इस चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है सो स्थिति ख़राब हो गई थी उस टाइम पर ठीक है और एक तरह से कहा जाए तो फेडरेशन जो फिजिकल फेडरेशन है ना मतलब इकोनॉमिक फेडरेशन है वो जो है सो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है मतलब लेखक के यही कहना है राइटर के यही कहना है ठीक है इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है और जो है सो आपका यहाँ पे फेडरेशन और टाइप की बात है अपने जो है सो आपका सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज तो अपना जो है सो क्वासी फेडरल है क्वासी फेडरल का मतलब ये हुआ कि सेंटर की तरफ झुका हुआ मतलब एक तरफ झूठा हुआ मतलब मतलब कि जो है सो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयरजन टू स्ट्रेट बट यू में ऐसा नहीं है तो हम लोग जो है सो कनाडा मॉडल पर हम लोग काम करते हैं ठीक है ये कनाडा मॉडल का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसलिए जो है सेंटर जो है सो ज़्यादा झुका है और इसके कारण क्या है भारत को इंटैक्ट बना के रखना यूनिटी और जो है सो इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना ठीक है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसा ही कुछ था बाई कमिज्म को मैंटेन और जो है सो आवर फेडरेशन बाई कमलिजम है क्वासी फेडरल है बता दिया आपको सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका है नॉट मैंसन फेडरेशन वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है आपका है बस तो यहाँ पे आज हमारा यहीं पे पर सेशन खत्म किया जाता है ठीक है और जो है सो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके तो फिर हम इसको जो है सो आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है थैंक यू फॉर लिसनिंग